फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लोर सेंटर। आज इस वीडियो में मैं परमानेंट टिशू के बारे में बताऊंगी, जो कि है पार्ट 3। और इस टिशू में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू के बारे में बताऊंगी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू, तो कॉम्प्लेक्स टिशू जो होते हैं ये दो टाइप्स के टिशू से मिलके बना है। एक है जाइलम टिशू एंड सेकेंड वन इज़ फ्लोएम टिशू। कॉम्प्लेक्स टिशूज़ होते क्या हैं ये मैं आपको बताऊं। कॉम्प्लेक्स टिशू इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स विच वर्क टुगेदर। कॉम्प्लेक्स टिशू क्यों बोला जाता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें एक सेल से ज़्यादा टाइप्स के सेल से मिलके बना होता है और ये एक ही साथ अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू का जो रोल है, जो स्पेसिफिक फंक्शन है, वो किस में होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में, मिनरल्स एंड फूड मॉलिक्यूल्स, जो कि विद इन द प्लांट बॉडी ये होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। दैट्स वाई नोन एज कंडक्टिंग टिशू एंड वैस्कुलर टिशू। इसलिए इसको हम कंडक्टिंग टिशू बोलते हैं और वैस्कुलर टिशू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं और उसी का ही मेन रोल है। एक है जाइलम टिशू और दूसरा है फ्लोएम टिशू, इसलिए इसको हम वैस्कुलर टिशू बोलते हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम को अगर हम एक साथ बोलते हैं तो उसको हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं और वैस्कुलर टिशू बोलते हैं। द जाइलम टिशू एंड फ्लोएम टुगेदर नोन एज वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर टिशू। इट कंस्टिट्यूट वैस्कुलर सिस्टम, और ये दोनों मिलके एक सिस्टम बनाता है जो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट में, उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। जाइलम टिशू, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर कंडक्टिंग टिशू एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिशू का काम जो है ये है वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम वाटर कंडक्टिंग टिशू बोलते हैं। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, और इसका मेन रोल क्या है, ये वाटर और मिनरल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट सिस्टम से शूट सिस्टम तक प्लांट बॉडी में। इट कैरीज वाटर इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम रूट्स टू शूट, और ये जो वाटर को कैरी करता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करता है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। और एक ही डायरेक्शन मींस ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ से? रूट पार्ट से लेकर शूट पार्ट तक। इट कंसिस्ट वेसल्स, ट्रैकीज, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इस और जाइलम टिशू जो है ये चार सेल से मिलके बना है। वेसल्स होते हैं ट्रैकीज, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। वेसल्स और ट्रैकीज का जो मेन रोल है वो ट्रांसपोर्टेशन में होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में। वेसल्स एंड ट्रैकीज की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो मेजर रोल है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में होता है, जो कि ये वर्टिकली करता है, वर्टिकल फॉर्म में ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। द सेल्स ऑफ वेसल्स आर जॉइंट एंड टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स एंड द सेल्स हैव थिक वॉल्ड एंड टेपर्ड एट द एंड। सेल्स जो होती है वेसल्स की, वो उसकी जो एंड होती है, एंड से एंड जॉइंट होता है और एक लॉन्ग ट्यूब्स फॉर्म करता है, फॉर्मेशन होता है लॉन्ग ट्यूब्स का, और उसी लॉन्ग ट्यूब से जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। द सेल्स हैव थिक वॉल्ड, इसमें जो सेल्स होती है वो थिक वॉल्ड होती है, थिक सेल वॉल होती है, और उसकी जो एंड, इस सेल्स की जो एंड होती है वो टेपर्ड होती है। नेक्स्ट टाइप जो है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना और जित साइड से वाटर का कंडक्शन करना, मतलब जितने भी आसपास से वाटर को ये कलेक्ट करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है। फाइबर्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। फाइबर्स का काम है ये सपोर्ट देती है और स्ट्रेंथ देती है टिश्यूज़ को। फ्लोएम नेक्स्ट टाइप है फ्लोएम टिशू। फ्लोएम इज़ ऑल्सो नोन एज फूड कंडक्टिंग टिशू एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स विद इन प्लांट बॉडी। फ्लोएम टिशू को हम फूड कंडक्टिंग टिशू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है, ये फूड मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ पहुँचाता है, मतलब फूड सब्सटेंस जो होता है वो प्लांट बॉडी में कहाँ बनता है,
लीव्स में, लीव्स पार्ट में, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जहाँ लीव पार्ट में जैसे ही ये फूड मॉलिक्यूल्स बनता है, प्रिपेयर होता है, फिर उस फूड मॉलिक्यूल्स को फ्लोएम टिश्यू के हेल्प से ये चारों, मतलब चारों सारी जगह पे, इन ऑल डायरेक्शन, जो प्लांट बॉडी के अंदर इन ऑल डायरेक्शन ये ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स विद इन प्लांट बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट फूड विच इज़ प्रिपेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो लीव से सारे पार्ट्स में ये पहुँचाता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और जो फूड सब्सटेंस का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि फ्लोएम टिश्यू करता है, फ्लोएम टिश्यू के हेल्प से होता है, और वो दो डायरेक्शन में करता है। जैसे जाइलम टिश्यू का भी हमने पढ़ा था, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करता है, और फ्लोएम टिश्यू जो है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम कंसिस्ट सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। इसमें फ्लोएम टिश्यू भी जो है ये भी चार सेल से बना है, सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स भी बोलते हैं, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबलर सेल्स विथ परफोरेटेड सीव प्लेट्स। सीव ट्यूब ऑन अ क्लोज एसोसिएशन विथ कंपेनियन सेल्स एंड ए स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल विच इज़ यूज फॉर फूड स्टोरेज। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, ये भी एक ट्यूबलर सेल्स होते हैं, ट्यूबलर शेप के दिखते हैं, और इसमें बीच बीच में एक प्लेट्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं परफोरेटेड सीव प्लेट्स। परफोरेटेड मतलब उसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसी होल से क्या करते हैं, जो फूड सब्सटेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसलोकेट होता है। सीव ट्यूब ऑन अ क्लोज एसोसिएशन विद कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब के साथ कंपेनियन सेल्स का जब एक क्लोज एसोसिएशन होता है, तब ये एक पैरेन्काइमा सेल बनाते हैं जिसको हम फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल बोलते हैं, और इसका काम होता है फूड स्टोरेज में। नेक्स्ट टाइप जो है वो है फाइबर्स। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द टिश्यू। फाइबर्स का काम सिर्फ ये होता है कि ये स्ट्रेंथ देता है प्लांट बॉडी को, प्लांट टिश्यू को, और सपोर्ट देता है। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी डायग्राम। जाइलम ये है, फर्स्ट वाला है जाइलम वेसल्स, मतलब ये जाइलम टिश्यू का डायग्राम है, ये फ्लोएम टिश्यू का। जाइलम टिश्यू में जो सेल्स हैं, ये जितने भी सेल्स हैं ये आपको एक ही डायग्राम में दिखेंगे। फर्स्ट है ये जो साइड में सेल्स दिख रहे हैं, ये है जाइलम पैरेन्काइमा। सेकेंड है ये है वेसल्स। वेसल्स में देखिए ये छोटे छोटे से ये होल्स दिख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिट्स। ये है ट्रैकेट्स एंड ये है जाइलम फाइबर्स। तो ये है स्ट्रक्चर, एंड ये है फ्लोएम टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है, इसमें भी ये ट्यूबलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबलर सेल्स है, इसमें बीच में सीव प्लेट्स प्रेजेंट है जिसमें होल्स प्रेजेंट है। देखिए छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट है, इसको हम परफोरेटेड सीव प्लेट्स बोलते हैं। ये है साइड में फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये है कंपेनियन सेल्स, एंड दिस वन फ्लोएम फाइबर्स, एंड दिस इज सीव ट्यूब्स। तो ये है जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू के डायग्राम, और ये है डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन के बेस पे मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए, तो ये जो है ये ट्यूबलर शेप का होता है, तो ट्यूबलर शेप में जो ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जाइलम वेसल्स में, तो वाटर जो है ये आपको एरो दिख रहे हैं, ये एरो इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये है अपवर्ड डायरेक्शन, ये एरो है अपवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो आपको दिख रहे हैं डॉट्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये है डायरेक्शन वाइज इसका डायग्राम, और ये है फ्लोएम टिश्यू का, फ्लोएम वेसल है ये। फ्लोएम वेसल में ये जो एरोज दिख रहे हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस दिख रहे होंगे आपको, एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन, दूसरा है अपवर्ड डायरेक्शन, और ये है फूड मॉलिक्यूल्स, एंड दीज प्लेट्स आर नोन एज सीव प्लेट्स। तो फ्रेंड्स, ये है जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू के बारे में, मतलब ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एनिमल टिश्यू के बारे में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।